हिरणाकश्यप भूपाल सुनाए रहे हाल सभा में गाली जाकिया सकीरत की दो जारे सोरज में भैया जाई कि हरदोई जो हिरणा का सपने और बलि में बिलग्राम बसाया जिनको राक्षस कहा, जिनको पिशाच कहा, जिनको नीच कहा, जिनको दैत कहा, जिनको शूद्र कहा, यही भारत के असली मूल निवासी हुआ करते थे। भाइयों गौर करिए, बहुत अच्छा शासन चल रहा है, अपने राज मंत्री को बुलाते आपस में क्या बात होती। अरे राज मंत्री जल्द से दरबार में पेश हो। प्रसन्न रहो, बहुत अच्छा शासन चल रहा है महाराज हिरणाकश्यप का। अरे राज्य मंत्री कहो, हमारी प्रजा तो खुशहाल रहती है और हमारी प्रजा में कोई कष्ट तो नहीं, और अगर हमारी प्रजा को कोई कष्ट हो गया तो समझो महाराज हिरणाकश्यप को कष्ट हो गया। अरे महाराज कहो, जिस राज्य में आप जैसा बलवान राजा और मेरा जैसा मंत्री, उस राज में किस प्रकार का कोई दुख नहीं होगा महाराज? कहो हमारी प्रजा का क्या समाचार है? बहुत अच्छा है महाराज। अच्छा, प्रजा का समाचार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। सब प्रजा महाराज हिरणाकश्यप की जय जयकार कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा शासन चला करता था भाइयों, बहुत अच्छा शासन चला करता था। कहो हमारा, कहो प्रहलाद का सूचना बताबो। आई महाराज प्रहलाद, प्रहलाद हाँ प्रहलाद, उनके पांच लड़के में से एक बड़े वाले लड़ला को नाम है तो प्रहलाद। ओ खेल रहा है घर में, खेल रहा है हाँ, बागों में खेल रहा था। जा उसको हमारे सामने ले, बागों में खेल रहा हाँ, क्यों कहे बागों में क्यों खेल रहा?
कहरान घर का चलो घर में खेलो, लेकिन वो जब ना लायक कहीं के। तुमको नहीं मालूम कितनी चारों तरफ कितनी दुश्मनी है। हाँ। कहीं कोई हादसा हो जाएगा कौन जिम्मेदार होगा? कहन भैया पहला चलो घर का खेलो, इतना बड़ा राजपाट है, लेकिन वो नहीं माने तू लपसी डंडा खेल रहा बिरो पर चढ़ा। अच्छा बुला ला लायक। अब दे दे भाइयों, महाराज बहुत अच्छे थे, मूल निवासी राजा थे, लेकिन अंतर इतना था, इनमें अंतर इतना था कि ये विष्णु को कभी भी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि विष्णु का ही मुखौटा लगा करके कोई आया था और इनके भाई हिरण्याक्ष का छल बल करके वध किया था। हेलो ले पिताजी तो पांच छोड़ के पांच प्रसन्न रहो। कहो प्रहलाद बागों में टहलने के लिए जाते हो? नहीं पिताजी के। ये मंत्री क्या बता रहा है? अरे राज्य मंत्री कहो। मंत्री इसका जाओ मौलवी के पास में छोड़ आओ, ये अब जाने वाला हो गया, इसको अच्छा ज्ञान देंगे वो मौलवी के वहाँ। अच्छा और उनसे बता दो कि राजा हिरण्यकश्यप का लल्ला है, और इसको अच्छा तैयार कर दे, बढ़िया अच्छे संस्कार बताए, अच्छी अच्छी बातें बताए। बाल कटवाओ। हाँ सही, जुलफे रखवाए हैं। बहुत सही, सही कहते हो। और सेनापति तुमको मालूम होना चाहिए कि इस बालक को कहीं टहलने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि हमारे साथ में जो धोखा हुआ था, हमारे छोटे भाई हिरण्यकश्यप को वध कर दिया गया था, और हमारे राज्य में चंदन बंदन कोई लगाए हुआ मिल जाए तो उसके मौत के घात उतार दो, अगर तब भी नहीं माने तो हमारे राज्य में खींच कर लाओ दरबार में। कैसी जाओ भैया, विनोद जी के द्वारा सदन खेड़ा से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान भेंट हो रहा है, बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो, परिवार पढ़े लिखे महान हो। चलाओ चलो ना लिखो कॉपी लेके आओ भाइयों। बहुत शासन अच्छा चला करता था, और ये मूल निवासी राजा हते तो देख देख लोग जरत रहा इन पर, जरत रहा है कैसे हो, कोई पॉइंट मिले तो इनका खट से नीचे कर दो। लेकिन एक बात और बताई, अगर बाप समर्थ है लोग हमारी आपकी दुश्मनी हमसे तुम नहीं पंगा ले सकत हो, तो बाप के दुश्मनी लोग लड़कों से अदा कर लेते हैं। हाँ अदा कर लेते हैं, कहो हाट बाहर मिल गया ना कुछ करें तो नरिया नटैया ठीक डाल दे, चलो दुश्मनी अदा हो गया ना अदा हो जाए। नहीं महाराज या कुछ ना, अगर कई बहन तो ना कुछ भवन नसड़ी ही बनाए दिन, दरा दारू जुआ सिखाए दिन, समझ लो उनका विकास हो गया, तुम्हारा पतन होना शुरू। नहीं महाराज जाओ जाओ चलो प्रसन्न रहो महाराज के जयकार हो, प्रसन्न रहो जीते रहो। चलो समय बीतता जा रहा है, समय धीरे धीरे करके बीत रहा है भाइयों। ये हमारे भैया ये माननीय अब राजा हिरण्यकश्यप ने ये भी अपने समाज में जब से उनके भाई हिरण्यकश्यप का वध हुआ तब से उन्होंने घोषणा कर दिया कि कोई भी हमारे राज्य में पाखंड को फैलाता हुआ नहीं मिलना चाहिए, अगर कोई भी पाखंड करते हुए मिल गया तो उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाएगा। इधर मौलाना मौलवी जी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, मंत्री प्रहलाद को लिया वहां के लिए पहुंच रहा। आइए गौर करते हैं कि फिर धीरे धीरे समय गया और मौसम ने करवट बदली, लोगों बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। अब इधर शिक्षा
समस्या है तो विचार किया है ना हो और उन्हीं गुरु महाराज के पास चलो कुछ बताओ चल करके। ये बहुत विद्वान थे उस समय, बहुत विद्वान थे लोगों। सोचा है कि अब होगा क्या, अगर इसी तरह से रहेगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, बर्बादी के बिल्कुल कगार पर पहुंच जाएंगे। लोगों कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन स्कूल नहीं कहा बताए बच्चों का नाम लिखवा रहा है नाव नहीं बड़ा आफत आ गए आफत हम तो सवार अपने से नाव लिखावे नहीं तुम्हार खुद नाव को दिन में कट जाई है थे की का हमार हां अरे जा तुम लोग आते हो कोई भाषण जरूर लेकर के आता है भाषा नहीं कक्को नहीं हां बोल तुमका नहीं मालूम वो जो राजा है अपने यहाँ हिरण्यकश्यप उसने ऐलान किया है कि कोई भी चंदन बंदन छापा टीका लगाए हुए अगर पाखंड करता हुआ नजर आ गया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। तुमको कैसे मालूम हुआ, तुम कहाँ थे, उनके पास गए थे क्या? मालूम नहीं, देव पूछो इनका गलथला लाल है। अच्छा एक एक लाल है, लाल नहीं कम से कम 20 ठवर चपटा खाई नहीं तब भी खींच निकाल रहा क्या बौखल बने चलते थे लबर लबर करते हुए महाराज। हाँ गुरु जी, हाँ बोलो, आप हमारे आदर्श हो और हम लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करो। ऐसा अच्छा मार्गदर्शन करें क्या तुमको घसीटे क्या का? अरे हम लोग मरे जा रहे हैं। कहाँ मरे जा रहे हैं? हम लोगों का धंधा ही बंद हो रहा है। हम तो आज देख 500 रुपया भेंट हम कहीं चुकी चली हो। तुम तो तुमका तो नौकरी मिल रही है, तुम्हारे या चुकिया जाए वाली है और का
जाएगा। इसको कौन ले जाने देखा। सरकारी नौकरी पाता 80,000 नहीं मने हो। क्या बात क्या तुम्हारा। हमने क्या बताया कि बड़ी आपत्ति आने वाली है बताओ। कैसी आपत्ति ये तो बताओ। वही बताए हैं कि छापा टीका पर बड़ा रोक है। अच्छा यो जो जाल डारे घूम रहे हो गले माँ, अगर राजा साहब को पता चल गया तो तुम्हारे नटैया तेहे पर खींच जाएंगे। ये मेरे हाँ। कैसे चूतिया बने घूमते देखो। हमको छापा चंदन टीका बना रहे, चला जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारे परी तो तुम खुद ही जनियो। चलो भैया चलो तिवारी जी, चलो चला जब तुम्हारे परी तो खुद ही जनियो। जही के गई न पाओ बेवाई, का जाने पीर पराई। हम लौट गई जा रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी से न कुछ काम से बहे आई थे, अभी आ रहे हैं, अभी बताएंगे आके, अभी आएंगे बताएंगे। हाँ अभी आएंगे वापस। कोई नई खबर ना लाना। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छी सूचना दे। ठीक ठीक जाओ जाओ। ये बौद्ध सेवा समिति दक्षिण पूर्वा इस्माइलगंज से कुछ दान हुआ है हमारे दादा। तुमको नहीं मालूम है हमारे महाराज हिरण्यकश्यप के शासन में रह करके भी उनके कानूनों को नहीं मान रहे हो। महाराज हमारे जटियों खंडनु है। ए भैया यूं का है, यूं का है, ये नालायक नकली झुटिया लगाते। बता भैया कहां मतलब का है। तुझको नहीं पता है कि हमारे महाराज इससे इतना नफरत करते हैं और वही ना लाग तू चंदन। अरे महाराज बता ना। हम जाने तो नहीं रहे भैया, यो नियम जल्दी लागू भा हो। नहीं जान पाने किससे हमारे पिताजी नाराज होते हैं वही तू लगा है। ये 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 कर दो पहले बताओ तू। मेरे महाराज का ये लड़का है। ये तो हम जाने का हमाल भी कहा है। ए नालक सुनो सुनो, ये तुम्हारे पास आया है और समझ लो एक बात कान खोल करके है, इसको ठीक से शिक्षा देना, समझ रहे हो। ये कल से आएगा, आज नहीं आएगा। कल से हाँ भैया तुम लल्ला चाहिए आज रुको। और ये छापा टीका यहाँ मत दिखाना, चंदन बंदन यहाँ मत दिखाना, ठीक है। ठीक हम लगाई वो छोड़ दे। अच्छी रास्ता बताओ लोगों को, अच्छी रास्ता अच्छा ज्ञान बताओ। ठीक है लल्ला। अंधविश्वास में न डालो। जानते हो अगर मेरे महाराज को पता चला ना तो तुम्हारी गर्दन काट करके राजभवन में लटका देंगे नालक। ठीक है ना, तुमको यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ, चलोगे संग में कि पढ़ोगे। पढ़ूंगी
हाँ पढ़ूंगा, देखो तुमको यही आज छोड़ दे कि कल आओगे, जैसा मर्जी हो आज ही रुको यहाँ पे, ठीक है? और अगर ये चंदन मंदन लगाए तो मुझको जरूर फौरन बताना, ठीक जा रहा मैं? खुश रहो खुश। तू कह रहा मैं पढ़ूंगा और फिर पायल के छोड़ा ना। हाँ ए, गुरु ये गुरु है, गुरु गुरु होता है भैया, पढ़ाऊंगा ठीक है, तुम बैठो और मैं जा रहा हूँ, ठीक? तो लोगो अरे अच्छी सीख देंगे। ये मेरी स्टाइल है, ये हंसने की स्टाइल है, ठीक है? इसको कायदे से पढ़ाना, हम ऐसा नहीं हंसता जो कौवा हमारा दिखा लगे, नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो लोगो हुआ क्या, अब देखो अब इनकी बुद्धि, हाय दादा वही हमारे साथी आए तो रहे, कहा तो सही रहा है, अगर राजा साहब को पता चलेगा चंदन बंदन तो फिर गड़बड़ हो जाए। लोगो इधर फिर से स्कूल पहुंचे हुए हैं, देखे भाई भैया त्रिपाठी चलो चलो बताया ही, चलो अपनी बात कही दे, चलो प्रहलाद ने कहा कि गुरुजी, गुरुजी आज हम जाएंगे कलई स्कूल है, कल हाँ चलो ठीक है ना, इसमें कलई आएंगे हाँ। और ये खाली जल प्लास्टर लगा कर आते हो? हाँ नहीं आएंगे, ये मतलब लगा कर आना, ठीक ठीक गुरुजी, खुश रहो मौजे करो भाइयों। लोग समझ रहे हैं कि राजा हिरण्यकश्यप से जीत नहीं पाएंगे और कैसे न कैसे हमें इनको परास्त करना है, तो रास्ता निकाल रहे हैं। मौजे करो कैसे आना हुआ, आज नहाए नहीं हो का? अरे तुम मजाक ना किया करो, आज 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 चंदन उंदन नहीं लगा, तब है पूछे ना हम क्या हो समझे, आज जल्दी में सुबह स्नान किया हाँ। हमारे पंडित आए रहे तो कहीं चंदन वंदन नहीं लगा, हम ऐसा ना है, ऐसा ना है, हम सब देखे तो रहे साढ़ साढ़ चले हैं तुम्हारे ऊपर, कौन कौन है हमारे वाला, हमारे है स्कूल के अंदर प्रवेश किसी को होने देंगे? तुम्हारी बुद्धि खुली है वही कहा या टोपी उतरी आग दे, तुम टोपी उतरी हो, अब हमारी बात समझ में आए क्या, मैं गलत कह रहा था? अरे यार मजाक ना करो, बैठो मजाक नहीं, क्या मैं गलत कह रहा था? और का सच कह रहे हैं, ये हम जानते हैं, तुम मार खाए हो कि नहीं खाए हो, हम जानते हैं, हमारी नौकरी देखने को तुमको अच्छी नहीं लगती, खैर जौन मन हो तौन करो भाई, बचा बचा हुआ जौन रह गया है वह झली हो, रुक जाओ। अच्छा खाते पीते किसी को अच्छा नहीं लगता है, ये जानते हैं, ये 80,000 रुपया पाता है, 80 पैसा नहीं पाते, खूब पैदा करो 80,000 का है, 80 लाख पैदा करो, देखो ए अगर तुमका पूरी जिंदगी की तनख्वाह हम याद दाम दे दे तो हमारे काम कह दे हो स्कूल खाए घर माने, हमका तनख्वाह जिंदगी भर के दे आए, हम चाहें अपन खेत पात बेच खोच दे तो लेकिन तुमको मुंह मांगा पैसा मिलेगा। अरे ये मतलब बताओ करना हमें क्या है, जो करना ये नहीं है उसमें तुम्हारा भी हित होगा, हम लोगों का तो हित है, कौन सा बताओ? देखो राजा जो हिरण्यकश्यप है उसका अत्याचार बढ़ रहा है, वो अच्छा? हम लोगों को देखना नहीं ठीक मानना, तो मैं जानता और वो मूल निवासी है, भारतवासी है, आदिवासी है, सौमासी है, हम लोग लड़ झगड़ करके उससे सामने पंगा भी नहीं ले पा रहे, ये तो बात सही, मैं भी जाता हूँ सर झुका के जाता हूँ, इसलिए हमको छलबल करना पड़ेगा उसके साथ, अच्छा और तभी हमारा शासन आएगा, और नहीं तो ये मजदूरों की तरह से कबलक घाम बेरी में तपते रहोगे यहाँ पर। सही कहते हो, है? तो इसमें करना क्या है? करना नहीं, मैंने सुना है उसके बच्चा तुम्हारे यहाँ स्कूल आता है, स्कूल तो आता है, कुछ ना करो तो खाली उनका तंबाकू खाओ सिखा दो, तो तंबाकू हम नहीं खाते कैसे सिखा दे, दारू भी अब सिखा दो, दारू
दारू तो कभी कभी बोतल 10-20 मार देता हूँ। और उसको गलत रास्ता सिखा दो दारू पीने या कुछ ना करो तो उसको अपना वाला ज्ञान पढ़ा दो। अपना वाला? हाँ, वो राम नाम से बड़ी घृणा करता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और ना हो तो वहाँ पाठ पढ़ा दो। और जब मतलब उसके विपरीत दिशा में उसको सिखाओ, ये बाप पुत आपस में लड़ जाए, हमारा भी काम हो जाए और हमारा दोष भी ना आए। ये एक बात बताओ, हम दूसरे लड़का को बर्बाद करेंगे और कहीं पर अचानक मेरा केस फंस गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी? नहीं, केस कैसे फंस जाएगा? तो पैसे तो हमारे पास इस समय है नहीं। तुमको सिर्फ उसको गलत रास्ता पढ़ा बताना है, पैसा तुमको हम देंगे। तो रुपया 50,000 पहले जमा करो। रुपया दे देंगे थोड़ा बहुत, उसमें कौन सी बड़ी बात है? किधर जेब है बैठी रुपया? रुपया है? देखो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराज, हिरण्यकश्यप को छल बल करके बड़ी दूर से भूमिका बनाई जा रही है। मैं उस दिन बता रहा था, जब कोई काम करना होता है तो उसकी भूमिका पहले से तैयार करनी की जाती है। लोग बड़ी दूर से भूमिका बना रहे हैं, बहुत दूर से, कैसे न कैसे राजा हिरण्यकश्यप को हमको बिगाड़ना है। ये लो आज यो महिमा का पग पग उड़े का है, कह ले तो अच्छा अच्छा। हाँ, पैसा कम या कौन नहीं है? अपने काम में लग जाओ, ठीक है? उसको गलत पढ़ाओ, उसको राम नाम का पाठ पढ़ाओ, ठीक है? उसको गलत पढ़ाओ। राम नाम से हिरण्यकश्यप विष्णु के नाम से परेशान था, उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। लोगों प्रहलाद जाता है पढ़ने के लिए, गौर करेंगे। हिरण्यकश्यप की कथा सुनो और जो सबको आज बताते हैं और समझ ना हो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझा। हिरण्यकश्यप को जलन थी। गुरुजी पाए छुए। खुश रहो बच्चा, आ गए हो, चलो बैठो किनारे बैठो। भैया संतोष जी के द्वारा गोकुला से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान है, बहुत बहुत साधुवाद। परिवार पढ़े लिखे महान हो, मंगल कामना। गुरु जी ठीक हो? तुम भी अच्छे हो? हाँ ठीक है गुरु जी। घर में पढ़ाई वढ़ाई करते हो? आशीर्वाद है गुरु जी। अच्छा अच्छा ठीक। गुरु जी पढ़ाओ कुछ तुमको? सबको पढ़ाओ, हमको भी पढ़ाओ, उनको भी पढ़ाओ। अलग से पढ़ाओ क्या? किस निकाल रहा है? एक बात बताऊं? हाँ। गुरु जी तुमको मैं अच्छे
संस्कारी बना दूंगा। हाँ गुरुजी। और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इसीलिए गुरुजी हमारे पिता ने आपके पास में भेजा है। हाँ, बेटा ये तो जानते हो, तुम्हारा बेटा भी बहुत समझदार है, पप्पा तुम्हारा समझदार है और बेटा समझदार है। अब तुमको पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा जो संसार में तुम्हारा नाम चले। तो वो मास्टर पढ़ाता है उनके विपरीत, राजा हिरण्यकश्यप के दुश्मनों को नाम लेना सिखाता। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ी अगर शक्ति है तो ईश्वर नाम की शक्ति है। ईश्वर नाम परमात्मा, बिना ईश्वर की सत्ता के बिना यहाँ एक भी पत्ता नहीं हिलता है। लेकिन प्रहलाद, तुम्हारे पिता इस शब्द से घृणा मानते हैं। इसका कारण जानते हो? इसका कारण ये है कि उनकी नौका गड्ढे में जाने वाली है। तुम्हारे पिता का ना लाइक कहें के मास्टर मैं हूं कि तू है बेवकूफ। मास्टर आप हमारे पिताजी को गलत मत कहना। निकालूंगा जब बोल उल्टा सीधा मारूंगा। जब ये कहा कि संसार में सिया राम मैं सब जाना देखो के बिना। हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं। प्रहलाद को लगा यार ये तो मेरे पिता के दुश्मन का नाम बता रहा है। हे गुरु जी मैं नहीं पढ़ूंगी। सही सही हमको पढ़ाओ। हम जा रहे हैं अपने पिता से शिकायत करेंगे तुम्हारी। क्या शिकायत करेंगे? तुम हमारे पिता के दुश्मन का नाम ले रहे हो। शिकायत करेगा? हाँ। क्या शिकायत करेगा? ये बताएंगे कि तुम हमारे पिताजी के दुश्मन का नाम क्यों ले रहे हो। दुश्मन है? हाँ। कहीं का पढ़ना हो तो पढ़ाना, बढ़ा लो, पटक पटक मारूंगा। हम नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं, हमें पढ़ना नहीं। चल 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 कल के अंधे पढ़ना नहीं जानता। वहां से भगा एकदम नहीं हमें। अरे ये क्या हुआ? ये तो हमारे पिता के विपरीत दिशा में जा रहा। बच्चों आज तुम्हारी छुट्टी कई दिन कल जाना। ये कुछ दान हुआ है प्रदीप की माता जी के द्वारा लिखाया गया है। गुरुजी तो हमें दूसरा पाठ पढ़ाते, हमारे पिता के दुश्मन का नाम बता रहे। सब शक्ति जो है वो राम में ही शक्ति है भाई। प्रसन्न रहो भाई। महामंत्र नमस्ते। पंडा प्रसन्न रहो। कहो स्कूल से आ गए? रुजी आ गए हो बेटा? पिताजी कहो। वो जो मास्टर है, हाँ, वो बता रहे थे। क्या पढ़ाया है उसे? वो कह रहे थे राम राम करो, राम नहीं। तुम्हारे पिता आपको कह रहे थे कि तुम्हारी बुद्धि खराब है और उनकी नौका खंड गड्ढे में जाने वाली है बेटा। क्या? तुम राम राम करो और राम राम से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, अरे बेटा उस टीचर ने तुमको ये पाठ पढ़ाया? हमारे दुश्मन का नाम लेता है, हमारी राज्य में रहकर हमारे ही शासन में हमारे ही खिलाफ में काम करता है सेनापति। उस मास्टर को हमारे दरबार में खींच कर लाओ। जैसे है क्या वो नालायक मास्टर की औलाद मेरे बेटा को? चल चल साथ है, चल साथ है, चल बताओ, चल चल चल। बहुत नाराज, बहुत
हिरण्य कश्यप एकदम आगम बोला, वाह रे मेरे समाज में, मेरे शासन में, मेरे राज्य में हमारा कानून उल्टा चल रहा। गुरु महाराज लड़कन का पढ़ाए रहे, रोज की तरह से शिक्षा देने का काम कर रहे थे। गौर कर, सबसे पहले बच्चों प्रार्थना कर लिया जाए। सब लोग खड़े हो जाओ, पाए लागे गुरु जी, खुश रहो, खुश रहो, हम हो जाए। लाइन बना के खड़े हो जाओ, पहले प्रार्थना करो। अरे तो बेटा इधर आओ, तुम कहां खींच निकालते जा रहे हो, इधर खड़े हो। कि इतने शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर सोचे से है। हाँ, अब क्या करें? अरे बेटा से पूछो, गलत पढ़ाया क्यों? क्या इसने क्या पढ़ाया? ये कह रहा नहीं कहता, हाँ नहीं गलत पढ़ाया क्यों? नहीं हमको ये नहीं समझ में आता नालायक। अरे बेटा तुम्हारा क्या गवार है क्या? पिताजी के सामने कह रहा था पढ़ाया तो हमको कुछ रहा है। गुरुजी कहाँ पढ़ाए थे? कुछ राम नाम बता रहे थे शायद। अरे राम नाम बोखल है क्या? ए, हम जानते हैं तू नालायक बर्बना है, गुरुजी ऐसे नहीं है। भैया सुअर की औलाद नालायक, महाराज के सामने मुझसे मार खुआ था मुझको। अरे तुम उसे अकल के कम खुद हो, अरे घर में पूछ लेता, यहाँ पर बिठाई करते उसकी। घर में पूछा तो इसने बोला कि हमको गुरुजी ने राम नाम का पाठ पढ़ाया है। बेटा तुमको राम नाम कैसे पढ़ाएंगे, उससे घर ना करते हो? पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ये पढ़ाई ना है उनका पढ़ाई। हाँ ना लायक
और तू बोल रहा कि नहीं पढ़ा ना ही पढ़ा ना ही पढ़ा पढ़ाई पढ़ाई ना पढ़ाई बोला से झूठ तो नहीं बोलेगा नहीं नहीं भैया हमसे गलती हो गई गुरुजी अच्छे हैं हम जानते थे गुरुजी अच्छे हैं वो अच्छा पाठ पढ़ाता ये नालायक उनको दूसरा रोपण लगाता खींच देंगे नालायक अरे भैया मत मारो अभी समझदारी इसके कम है चल गुरुजी के पाछो खुश रहो ठीक है हम जा रहे हैं इसको ठीक से पढ़ाना ठीक शुक्रिया शुक्रिया अब वो बेचारा डरन मारे साँच बताए नहीं भाई इसका सही है का गलत है मास्टर के डरन मारे बताए नहीं भाई इसका सही है का गलत अब कहा तेरा थोथड़ा पीट दूं ए गुरु जी एक बार तो बचाए लेहन जान लियो झूठ बोले के लेकिन अब के मुंडी साफ हो गई हां तो बस सही कहता है अगर अब की बार कहूं गलत पढ़ायो तो अब की अब साँच साँच बताए दिया आज बताओगे बिल्कुल वो चढ़ी लात मारो एक बार हमने अपने ऊपर ले लिया समझ लो तो अच्छा अरे तो बड़ा होशियार है भाइयों यहां तक हुआ उसने कहा नहीं प्रहलाद देखो एक बात मेरी बताओ और अगर तुम ईश्वर में आस्था रखते हो तो तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे विश्वास बढ़ेगा पहले विश्वास करो और तब अगर तुम आंखों से देख लोगे तो तुमको विश्वास हो जाएगा कहा हाँ तो ठीक है तो मान लिया तो कहा ठीक है पहले विश्वास करो और तुमको 24 घंटे के अंदर प्रभु के दर्शन होंगे प्रहलाद को वही पाठ पढ़ाता है बार बार प्रहलाद ने विचार किया यार कुछ तो बात जरूर है ना तो ये लोग आखिर इस नाम के पीछे काहे पड़े हैं और हमारे पिताजी इस नाम से इतना जलते हैं और ये लोग हमको कह रहे हैं ये ऐसी बात गुरुजी ठीक है आज हम राम राम ही कहते रहेंगे 24 घंटे और अगर हमको दर्शन ना हुए तो अरे बेटा 24 घंटे नहीं लगेगा तुमको राम राम के दर्शन जो ना परमात्मा तुम्हारे दर्शन करेंगे परमात्मा के तुम दर्शन करोगे देखो परमात्मा कितना भोला ठीक है गुरुजी आज से हम यही कहेंगे जो तुम बताइए वही कहेंगे अब अगर ना दर्शन हुए तो अपने पिता से बता के समझ लो तुम्हारी का दशा बेटा ऐसी बात नहीं जो बता रहा सच बता रहा ठीक हम जा रहे हैं बैठ गए हैं यहाँ नाम जप बजाए नगर बिल्कुल जपिए जाओ काम जाई थे आज घर है ना जाओ दिन भर बैठ के यहाँ नाम जप ठीक बेटा जाओ भाइयों अब देखो लोगों ने विचार किया कि इससे काम नहीं चलेगा चतुर चालाक लोग थे विचार किया केवल इसी से काम नहीं चलेगा जाओ केवल इसी से काम नहीं चलेगा तो दूसरे लोगों को सेट किया दूसरे लोगों को क्यों सेलेक्ट किया जिस रास्ते से जा रहे थे जाना ना रहता था उस रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था बोलिए भगवान बुद्ध की तो एक कुम्हार दादा आवा लगाए हुए बैठ रहा है ये साजिश थी कुम्हार दादा आवा लगाए बैठ रहा है अब प्रहलाद वही गली से जा रहा है तो खूब हाय हाय कह कह रोए रहे रहा है और राम राम कह करके चीख रहे थे कह रहे थे इसमें बिलारी के बच्चे बंद हो गए प्रहलाद वहां से भगा क्या बात है देखे इनसे पूछे क्या होता है इसमें बिलारी के बच्चे बंद हो गए हैं मेरी समझ में आता है अभी मर जाएंगे हैं इसको कौन बचाएगा या राम दादा हाँ बेटा क्या बात है तुम रो रहे हो रो रहा हूँ बेटा हाँ क्या बताऊँ मैंने आमा लगाया है और ध्यान नहीं किया इसमें बच्चे बंद हो गए हैं हाँ। अब ये तो इसमें मर जाएंगे अब इसको कौन परमात्मा बचाएगा या राम यार राम बता रहा नालायक
तू भी हमारे पिता के दुश्मन का नाम ले रहा? नहीं ऐसी बात नहीं, समझ लो अगर मैंने अपने पिताजी को बता दिया तो जाओ गुरु महाराज से पूछो क्या कहता सब है। अरे तुम्हारे यू आवा ही लागी नहीं का लेते हो, जान ले अगर सोचना दे दिन को। अरे बेटा हाँ, इससे तुम नाराज मत हो, ये बिलारी के बच्चे कोई बचाने वाला अब नहीं है, इनको बचाएगा तो ही राम ही बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता है। अच्छा बेटा, अच्छा उसके मन में भाव आया नहीं, कहा थे सौ फूकन वाद पर लगा जाए, तब विचार क्या है? गुरु महाराज यहाँ बताए रहे हैं, यहाँ यहाँ बताए रहे हैं, इसका मतलब दादा बेटा क्या वास्तव में इसमें बिलारी के बच्चे बंद हो गए हैं? हाँ बेटा बंद हो गए हैं। तो अब तो मर गए होंगे? देखो भाई सब खोलेंगे हम, मरे तो जरूर मिलेंगे, बचा लेंगे तो राम ही बचाएंगे और कोई बचा नहीं वाला नहीं। कहा कि इसमें बिलारी के बच्चे धोखे से बंद हो गए, लेकिन हम राम राम ये बद करते हैं कि प्रभु राम ही एक ऐसी शक्ति है जो उन बच्चों को बचा सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं। प्रहलाद ने कहा अगर तुम्हारे बच्चे जीवित निकले आए तो मैं तुम्हारा शिष्य बन गया, और अगर मर गए तो समझ लो तुम्हें हम पिताजी से कह करके का दशा हुई है, तुम्हें जनी हो। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ये बचेंगे तो राम ही के सारे बचेंगे, नहीं वरना इसी में जल जाएंगे। ठीक है, सवेरा जब हुआ का तो कहा सुबह तक वहीं पर रहा प्रहलाद, गौर करते जाना भाइयों, सुबह तक वहीं रहा, जब सवेरा हुआ तो कहा कि अब आवा निकालो, और आवा उल्टा लगावा गा रहा है, मालूम का जब उल्टा आवा लगावा गा रहा है, मान लो अगर यू ऐसे है ऐसे पानी रखे हो तो भरा रहे ना भरा रहे, अगर इका ऐसे कह दिया हो तो सीधी सी बात जौन हुई के अंदर से गिर जाए ना गिर जाएगा, और जब उल्टा आवा लगावा गा रहा है, समझने की जरूरत है, जब आवा उल्टा लगाया गया तो बिलारे के बच्चे इमार रहा है तो, लेकिन वो निकल गए खट से दूसरे जगह चले गए, आओ इतना बड़ा आवा था, बढ़िया सर्दी का महीना रहा है, गुनगुने बैठ रहे वहां तक नहीं, आज बढ़िया सर्दी भी नहीं लगी उनको। सवेरा जब हुआ उन्होंने खोला आवा तो देखा, क्या देखा? देखा प्रहलाद, देखा तुमने? बेटा देखो, खड़े होकर देखो, खड़े होकर, ये है प्रभु राम की शक्ति। देखो बेटा, ठीक है दादा, ठीक है ठीक है, इनका चुप्पे निकालो, दूध पियाओ, नहीं तो भूखे होंगे रात भर के। अरे लड़का, बेटा बेटा, लेकिन भाइयों छल हुआ, यहाँ पर भी छल हुआ, छल हुआ, प्रहलाद को विश्वास हो गया कि शायद हमारे पिता की बुद्धि खराब हुई, शायद हमारे पिता का ही दिमाग खराब है, इतना इसको गुमराह कर दिया धर्म के गद्दारों ने। वहां से ठीक है दादा, हम जा रहे हैं अपने पिता को समझाइए। हाँ बेटा जाओ, वहां से चले हैं प्रहलाद एकदम, लोगों एकदम भगा है और अपने जहां पर पिताजी थे वहां पर पहुंच रहा। पिता की बुद्धि मारी गई, पिता की बुद्धि मारी गई, पिता का नौका गड्ढे में जा रहा है, पिताजी प्रभु राम से बैर कर रहे हैं, इनका क्या होगा? एकदम भाइयों दौड़ता हुआ पहुंचा, जैसे सभा में पहुंचा तो सबसे पहले उसने यही शब्द उच्चारण किया, पिताजी को राम 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 कह रहा है, दुश्मन का नाम ले रहा है तेरी गनियों का, पिताजी सेनापति, पिताजी इससे कह दो हमारे सामने से निकल जाए, पिताजी कहो इतना गुस्सा नहीं तुम्हारी नौका खड्डे में जाए रहे। मंत्री भैया, पिताजी को समझाएगा मंत्री भैया, क्या आज मैंने अपनी आंखों से एक करिश्मा देखा? क्या देखा है तुमने? मैंने आंखों से देखा, आंखों से देखा, अच्छा आंखों से देखा है ना, जलती हुई आग से बिल...
बिलारी के बच्चे ने बच्चों को बचा लिया राम ने और तुम्हारी नौका गड्ढे में जा रहे पिताजी। अरे मेरा ही सपूत मुझे ये सब जाने के लिए निकला है। संबंध बनाओ। चुप हो जाना। गड्ढे में जा रही है। चुप हो जाओ। राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है और मुझ मेरा ही सपूत होकर मुझे ही सलाह देने के लिए निकला है। पिताजी, तेरी ये तनी कहो। पिताजी, हाँ, शायद तुम्हारा अंत आने वाला हो। चुप हो जाना है। पिताजी, तुम राम से दुश्मनी ना करो। हमारे सामने हमारे दुश्मन का नाम लोगे तो मैं तुम्हारी नहीं, तुम चाहे हमें मार डालो लेकिन ये नाम नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो निकल जा हमारे राज से। अरे नालायक, तुझको एक कौन सिखा दिया? भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम भी वो सब छोड़ दो राजपाट और तुम वो राम राम कराओ। अरे नालायक, ये संबंध विश्वास है और चुप घर में रहो वरना महाराज तुमको राजपाट से निकाल देंगे। सेनापति, हाँ, महाराज हरलंका से बहुत नाराज है, इसको मेरे राज्य से निकाल दो। नालायक, निकल जा नालायक, हमारे राज्य से। मेरे राज से निकल जा। अगर तू मेरे दुश्मन का नाम लेगा मेरे राज से निकल जा। अरे महाराज, कहो ये तुमने क्या किया? वो भी छोटा बालक था, उसको क्या पता ये, और तुमने मारपीट करके निकाल दिया। क्या मेरे दुश्मन का नाम ले गए? अरे महाराज मंत्री, हाँ, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा तो ये उससे भी मेरा दुश्मन है नालायक। अरे महाराज, हाँ, क्रोध दुश्मन आदमी का दुश्मन होता है और तुमने ना जाने क्रोध में बेटा को निकाल दिया। महाराज नहीं नौकरी। चुप हो जा नालायक। हर कोई माँ बाप जब अपने लड़कवा से नाराज हो जाए तो गुस्सम कहते हैं जाओ घर छोड़ के दादा कहूँ मरो जाए कमाओ खाओ जाए। हर कोई माँ बाप कह देता है लेकिन बाप का माँ का श्राप कबहू लागत नहीं लड़का। देखो पप्पा खटिया परे है तब हूँ पानी घर समय तो नहीं मिला। जितना सारे हो हमका तंग करे हो जितना हम तंग है नहीं है तना कबहू रोटी पर नमक उधरे कह नहीं खाई हो। लेकिन पिता का श्राप कभी लगता नहीं है क्योंकि मुख से कहता है मन से नहीं कहता है। मन से अपने बच्चों के प्रति अपने संतानों में उसको दर्द रहता है। राजा हिरण्यकश्यप ने गुस्से में तो कह दिया मेरे राज से चला जा नालायक मेरे दुश्मन का नाम लेता है। लेकिन उसके बाद में जब गुस्सा शांत पड़ी तो उनको लगा कि मैंने बड़ा गलत किया। मेरा बेटा उसको मैंने घर से निकाल दिया। बड़ा अफसोस कर रहे हैं। इधर प्रहलाद चलता जा रहा घर से जब निकल गया रास्ते में जा रहा है तो उसकी मुलाकात किससे हुई? कुछ शराबी लोग हते तो मस्त झूमते गाते पीते खाते मनोरंजन करते थे उसी गली पे। गौर करेंगे ब
बोलिए भगवान बुद्ध जी, बोलिए बाबा साहब जी, प्रहलाद आगे को बढ़े हैं तो देखा कुछ शराबी लोग बैठे मस्त पैक लगाए रहे हैं और बातें कर रहे हैं। प्रहलाद बड़ा टेंशनाइज था, बड़ा घबराया हुआ था, तो गौर करेंगे लोग। आपस में मौज मस्ती कर रहे हैं भाइयों, और इसी चीज ने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया। लोगों, शराब ने हमारे समाज को बर्बाद करके रख दिया। हमारा समाज पैसा बहुत कमाता है, पैसा खूब कमाता है ये हमारा समाज, बहुजन समाज पैसा बहुत कमाता है, लेकिन अंतर ये है कि वो पैसा पुलिया के रही पार नहीं आए पावत है, वह पार नहीं जाते भाइयों। हाँ लगा। प्रहलाद उधर से जा रहा था, बुलाया इधर आ दादा, दादा ये क्या कह रहे हो? टेंशन दूर कर रहा हूं। यहां यहां बेटा यहां बुलाया, कहा नहीं हम आएंगे नहीं, आज हमको ज्यादा टेंशन है, हम जा रहे हैं। ये टेंशन की टॉनिक है, टॉनिक टेंशन की दवा है, जो पी लेता है टेंशन फ्री। आ जाओ देखो लोग नहीं कहे है तनु पी लेना है, तनु आज टेंशन रहा ज्यादा, यही बंद हम कहे 100 ग्राम डाल ले कुरकुरी आ जाए। प्रहलाद को कहा इधर आओ बेटा, यह साजिश रहा, ये भी साजिश थी। आ बेटा इधर आओ कि कैसो न कैसो घर बिगाड़ा जाना चाहिए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ी पियो, वह टेंशन खटस दूर। हम समझ रहे हैं ना तुम टेंशन में हो, लेकिन इधर आओ, टेंशन की आओ, इधर आओ, हाँ आओ ले एक पैक। नहीं हम पीते नहीं है, हम नहीं पियेंगे, थोड़ी पियो मजा आए, थोड़ा पियो पियो वह तुम्हारी टेंशन दूर हो जाए। पिया। अब जब थोड़ी प्रहलाद को पिलाया, अब उनका करे तो ऊपर दिखाए ला, जो कबहू पियते न होए, जो कबहू नशा पात न करत हो, बोल मंजनो कैले तो तुम 10 घंटा उठे हो नहीं। अब उनका करे तो ऊपर दिखाए ला। मिलती है जिंदगी में अच्छा इस संगति कभी कभी हाय, मिलती है जिंदगी में संगति कभी है।
अब प्रहलाद को अतनी पियाए, थोड़ी से पी लो प्रहलाद नशे मोहिका। अरे का बात का, अरे यो का है बैठा ए बेरवक चढ़ाओ का होएगा। कहे अतन चौधव कम भयो बैठाओ बैठे जाओ। झूमेंगे और झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे। षड्यंत्र था इसमें, दधीच नाम का ये बड़ा गुंडा था। दधीच नाम का बड़ा एक गुंडा उस समय आदमी रहा करता था। प्रहलाद को जब ज्यादा पिला दिया, इधर इधर होलिका जो थी प्रहलाद को जब घर से निकाल दिया, गौर करते जाना भाइयों, प्रहलाद को जब घर से निकाल दिया तो दो तीन दिन हो गए ऐसा प्रमाण की होलिका की सगाई तय थी। होलिका ने विचार किया सब समाज आएगा, लेकिन मेरा भतीजवा नहीं पता कहा भैया ने निकाल दिया और पता नहीं कहाँ ढूंढे जाके। तो उसने राजा साहब को नहीं बताया, अपनी भाभी को बता दिया कि देखो हम भतीजवा को ढूंढे जा रहे हैं, थोड़ा सा खाना लिया और कहा तुम भैया को न बताओ ना हमको जाने नहीं देंगे। और राजा हिरण्यकश्यप से नहीं बताया, राजा हिरण्यकश्यप से नहीं बताया, चुराए के भड़िया भोजन लिया और प्रहलाद को पूछती हुई चली है। कि भोजन की थाली ले करके और होलिका बहा से धाई है मिलने के लिए भतीजे से आगे की सीधा लगा। मेरा भतीजवा पता नहीं कहाँ है।
उसने देखा कि कुछ आगे बैठे लोग ना हो, इनसे पूछ ले। अब वही नशे आदमी यू ना जान पाओ तो कहा हमारे लिए अच्छा है का गलत है। आगे जा करके देखा तो प्रहलाद एक किनारे पर पड़ा है। प्रहलाद के पास गई, तुम यहां सो रहे हो, चलो चलो तुम्हारे लिए हम भैया से खुशामद कर देंगे। देखो हाय मुई तक अत्ते झार आ रही मरिगा लागत है यहाँ पे ही से है। अब वह भतीजवा को खाना लेके गई। अब जब वह चतुर चालाक लोगन ने देखे तो उनकी नियत घूम गई। गौर करना, और उनकी नियत घूम गई। नियत कैसे घूम गई? देखो हमने कल ही बताया था कि जितने कुकृत्य होते हैं वो सब शराब के नशे में होते हैं। शराब पीने के बाद मनुष्य क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या वो कहता है इसकी पहचान नहीं कर पाता है, बिल्कुल नहीं कर पाता है। अब उन्होंने जब देखा ये सामने से मशहूर आ रही मशहूर चलो दो दो बातें करूंगा और लगा के शराब इसको जैसे बात करेंगे। ए छमिया मेरी चढ़ी जवानी छमिया रे तनी देती हो तनी देती हूँ हाय तनी देती हूँ नजरिया डारी डार तनी समझ लो भैया से बता देंगे तुम्हारी खाल खिंच जाएगी। हाँ, ना लायक है क्या लगा? अब वो ये जब बहन होलिका को देखा, लोगों जब बहन होलिका को देखा तो सब कुछ भुलाए गए। सीधी बोल देंगे वहीं पर खाना रखा, वहां से निकलना चाहा, लेकिन हुआ कुछ और ही। लोगों हुआ कुछ और ही। जब होलिका ने वहां से निकलना चाहा तो उन दुराचारियों ने उन दुराचारियों ने उसको जबरदस्ती किडनैप कर लिया और ले जा करके एकांत में जब जबरदस्ती उन्होंने किडनैप किया। गौर करेंगे भाइयों, और जो हादसा आज के थोड़े दिन थोड़े साल पहले आप लोगों ने अखबार में न्यूज में पत्र में सुना था, हाथरस का कांड, हाथरस का कांड जो मनीषा वाल्मीकि के साथ में रेप हुआ, ठीक उसी तरह से
यो खेसे निकारक समय ना इतिहास समझो का होई रहा तुमका तो यो सब नौटंकी ही समझने के दिखाते ना कि यो तो नौटंकी आए लेकिन कभी तुमने अपना इतिहास जानने की कोशिश नहीं किया। देखो कहां मरत है सारे, देखो कहां मरत है। भाइयों और ले जा करके रात में उसके साथ बलात्कार किया और किसी को पता ना चल जाए। जब ये मालूम हुआ कि ये तो हिरण्यकश्यप की बहन है और अगर कहूं जानकारी हो गई तो मार डाले जाइबो तो साबूत ना मिले, इले रात में ही रात रात उसको जला दिया, रात में ही जला दिया, रात में जला दिया, किसी को पता ना चले, कोई साबूत न रह जाए। जब रात में जला दिया इधर हिरण्यकश्यप को कुछ पता नहीं है, हिरण्यकश्यप को कुछ नहीं पता है लोगों के हुआ क्या है। हिरण्यकश्यप बैठे हैं, मंत्री को बुलाया, देखो बहन को कहीं जाना है, कहां है। प्रहलाद को थोड़ा सा मूर्छा जब जागी, जब नशा उसा उतरा तो कुनबुनान उठ गए, कहीं से हम कौन बार चले, सब कहां हम आए गए, हम कहां आए गए ना। विचार किया कि वहां से उठ करके चला, लोगों रात ही रात में होलिका को जला दिया जिंदा। और हमारे समाज में मालूम क्या संदेश दिया जाता है कि होलिका को वरदान मिला था, उसको ब्रह्मा ने चुनरी दी थी, वो चुनरी लपेट चुनरी अजर अमर हति आगे नाय जल सकत रहा है, और उसको लपेट करके प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठ गई और वो चुनरी उसके सर से उड़ान प्रहलाद की लपेट गए तो प्रहलाद बच गया, होलिका भर गई। बात ताज लगावत हो भाई, यहां सत्य को छिपाया गया, झूठ को उजागर किया गया। होलिका के साथ में बलात्कार हुआ और रात ही रात उसको जला दिया। कहो मंत्री। हाँ महाराज। कहो कैसा चल रहा है? सब अच्छी तैयारी चल रही है। आज ससुराल वालों की तरफ से संदेश आया है कि बेटी होलिका को कुछ जरूरत है, वहां कपड़े पड़े नाप देने के लिए जाएगी। अच्छा हाँ, हाँ। बुलाओ बुलाओ। ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ। पता ना मंत्री को है ना राजा साहब को है, सिर्फ इनकी पत्नी कयादू को पता था। होलिका कयादू को बता के गई थी अपनी भाभी को कि भैया से न बताना, भैया जानेंगे तो हमको जाने नहीं देंगे, और मैं जा रही हूँ भतीजों को खाना दे जाए। अरे भाभी बेटी कहाँ गई है? ठीक है अरे महाराज। हाँ दुआ तो खाना देने के लिए गई है। किसको? वही प्रहलाद को। क्या प्रहलाद को? हमारी बहन होलिका खाना देने के लिए गई है। नालायक वो किससे पूछ करके गई है? किससे पूछ करके गई है नालायक? जाओ उसको पता लगा के लाओ, तो मारते हुए खींच दे लाओ नालायक पापिनी को। जाओ ठीक है अभी जाओ। मेरे दुश्मन के साथ प्रीत करती है। ठीक है महाराज। प्रहलाद मेरा दुश्मन है। अरे महाराज जैसी बात ना को हम अभी बुला करके जाओ दुआ को। ठीक है उनको क्या मालूम क्या होने वाला है। मंत्री ने जब घोड़े छोड़े और आगे की ओर सिधारी, इधर उधर पता लगाया लेकिन किसी ने पता नहीं बताया। अरे अरे बुआ, मेरे बुआ को किसी ने देखा है?
किसी ने नहीं बताया लेकिन कहूं से सुख सुख चली, जब रात भूखे नूखे तो कोई कोई आग देख ले। अब लेकिन वह चीज है कि बड़े आदमी की बात कौन बतावे भैया, को बता के जानो आपत में डाला है। लेकिन किसी लोगों ने कहा, सही ही बता ही दिया कि भैया बोलो वो जो हाँ हाँ वो जो दधीच नाम का गुंडा था उस होलिका उनके साथ में जा रही थी, मैंने ये देखा था। अच्छा, तुम देखे हो? और यहाँ तक ये भी मैंने सुना है भैया कि उसके साथ में रैप किया है और राजा साहब को पता ना चले ये दुश्मनी अदा की गई है, और रात ही रात होलिका को जला दिया। वो देखो आग जल रही, आ जाओ। सही बात, चलो महाराज, चलो। अच्छा महाराज, अरे चल भैया हमका लाइन में चलो, दो सौ पहले गवाही दे तो फिर बाद में कह तो आपको लाइन में चलो भैया। चलो भैया इधर आओ। लोगों अब किने किने लोगों ने बता तो दिया, ठीक है आप जाओ, आप जाओ, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, आप चले जाओ। अरे महाराज क्या है, इस व्यक्ति ने कहा है क्या कि बुआ को जो दधीच गुंडा था ना हाँ वो ले जाकर के उनके संग में गलत कुकर्म किया और बलात्कार करके उनको रातों रात जला दिया। क्या हाँ हमारी बहन होलिका को इतना अत्याचार किया गया? अरे महामंत्री। हाँ महाराज, तुमको तो पता था कि हमारे चारों तरफ दुश्मन घूमते हैं और तुम फिर भी क्यों नहीं उसको रोका? अरे महाराज, हम तो आपके संग में थे और तो भाभी कयातु के उनको पता लगाओ कौन है वो बलात्कारी, मेरे सामने उनको हाजिर किया जाए तुरंत। जैसी आज्ञा महाराज, जाओ। जब ये पता चला कि होलिका भी इस दुनिया में नहीं रही है, उसके साथ में रैप हुआ और रात ही में जला दिया, हिरणाकश्यप ने उन सबको पकड़वाया। पकड़ा महाराज, कहो। इतना ही नहीं, ये प्रमाण है। क्या? इसको पी करके हाँ महाराज, मेरी बहन को जलाया गया। अरे पापियों, अगर मेरे हाथ में आ गए ना तो जब तक जान नहीं ले लूंगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे महाराज कहो, मैं सौगंध खा रहा हूँ, जब तक उन दोनों का नालायकों को पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं खाना पानी पता नहीं लगाओ। जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। जाओ कमीनों को हमारे सामने लेकर आओ। महाराज हिरणाकश्यप ने ऐलान किया, उन बलात्कारियों को व्यभिचारियों को तुरंत मेरे सामने लाओ। अरे दधीच कहाँ छुपा बैठा है नालक? अरे नालक दधीच, तूने तुझको शर्म नहीं आई ऐसा कर्म करते हुए? अरे नालायक, बोलिए भगवान बुद्ध की, अभी निकल आओ, अब तुम्हारा नाम आ गया है, भगोगे कहाँ नालायक? अरे कहीं ना कहीं तो मिलोगे। मुझको पता चल गया है नालायक, और हम जान गए हैं अगर आप भगोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए अभी रंगे रंग हाथों में आ जाओ। नहीं आओगे, हम जानते हैं कि जूता का आदमी बातों से नहीं मानता है। कैसो न कैसो उनको पकड़वाया, कहाँ गए? इधर आ भैया, तुमको पुरस्कार दिया जाएगा। अगर जो दधीच को बताएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। द्वासर इधर आ रहे, यहाँ का कर क्या बात है? अरे महाराज हाँ, नायलाको को ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं रहे अभी, एक मिनट रुको। और सेनापतियों को ले लो। अरे चलो मेरे संग में, ठीक है पता लगाओ जल्दी ना जाओ। लोगों
बड़ा गलत हुआ। अरे ददीच, जो ददीच का पता लगा देगा उसको मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। कोई है ना मर्द कोई पता लगा सकता है? इतना रोष है, इतना रोष है। अरे क्या कोई मर्द नहीं है जो ददीच का पता लगा सके? भैया हाँ बोलो कहाँ? वो देव बेरव चढ़ा बैठा। कहाँ? ये बेरव चढ़ा बैठा। अच्छा लाठी लाओ नालायक, अभी नीचे उतर आओ अगर तुम्हारी जान प्यारी हो। और जितना लेट करोगे उतना ही गड्ढे में जाओगे। नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। हम जानते हैं, आ जाओ कि लातों का बात, लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा, इसलिए नीचे आ जाओ वरना उल्टा सीध खींच देंगे। समय समय को नजर मध्य रखते हुए एक बार जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी। भाइयों देंगे चांद चल देंगे। बंद कर पहले, दधेच कहाँ हो? बटन बंद कर। जहाँ कहीं हो निकल आओ, नहीं तो हमें आना पड़ा तो तुम्हारी जिंदगी नहीं है। निकल आओ। अरे जैसे जलाई गई बहन मनीषा उसी तरह होलिका दहनवाना। इसको उल्टा लटकाओ पहले। क्या रे? इसको उल्टा लटका। खड़े हो, खड़े हो, खड़े। क्या रे उठ, खड़े। तेरा ही नाम ददीच है? तूने मेरी बहन होलिका को देखा है? तुमने नहीं देखा? लाओ राजमंत्री, ये ऐसे नहीं मानेंगे। तलवार लाओ इनकी गर्दन उड़ा देंगे नालायकों के। सेनापति। हाँ महाराज। इसको खड़ा करो। अरे खड़े हो, खड़े। तुम बताओ तुमने इनको कौन था तुम्हारे साथ? कौन कौन थे तुम्हारे साथ में? महाराज अध्यक्ष में। हाँ अध्यक्ष। हमका मरी हो तो नहीं? नहीं मारेंगे बताओ। हमारे कोई गलती नहीं रहा है, हम खाली दाल मोट ले गए रहन। हाँ और ये जो ना है। हाँ ये पहने है सब कुछ। अच्छा लेकिन लेकिन मेरी बहन को बताओ कौन किसने लेकर गया है? महाराज हाँ हमारी कोई गलती नहीं है और बहन होलिका हाँ हमने देखा था, खाना लाई थी। हाँ और ये दोनों जने आकर खाना खाए नहीं है। क्या? हाँ और उसके बाद में हाँ बहन तुम्हारी बहन के साथ में हाँ इन्होंने अवैध संबंध बनाया। पता ना चले संबंध बनाया। महाराज कहो महाराज,
उसको लाऊं मैं, उसे धरता हूं, उसको पकड़ के लाऊं। बांधो ना लग, इधर आ, इधर आ, जाए कहां रहे हो, इधर आ, कहां जाते हो, कहां जाते हो? नाला कहां से आया, कहां जाता? इधर आ, चल। क्या तुमने मेरे बहन के साथ बलात्कार किया? अभी नहीं सकरोगे, मानोगे? सेनापति, हाँ महाराज, इन दोनों को नालायकों को बांधो, खड़ा, बांधो, बांधो, नालायक, बहुत बुरी तरीका से, शांत रहो नहीं तो तेरी जबान खींच लेंगे बेवकूफ का। शांत रहना नहीं जानते, नहीं है तुम्हारी जबान खींच लूंगा, चाप, नालायक कहेंगे, बांधो। बांधो और इनके बाद दो 200 हंटर लगाओ। सेनापति सही से बांधना और लो 200 हंटर इनके लगाओ। बांधो नालायक कहीं पे चिल्लाएगा, 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 चिल्लाए। सेनापति, सेनापति। अच्छा एक बात यह बताओ, देखो जब होली जलाई जाती, समझते जाना नहीं तो हुरदंगे में ना पड़े रहो, बड़ी मतलब की बात। होली जब जलाई जाती, होरी में आग लगाई जाती है, तो ये हमारे समाज से ने रावत बिरादर से काहे जलवाई जाती हो, जान तो भला कोई जरा। लोगो वो बहन होली हमारे आदिवंशी समाज से थी, ये मूल निवासी समाज जो है कभी एक माँ बाप की संताने हुआ करता था लोगो, जिसको इन धर्म के गद्दारों ने छलने का काम किया, छलने का काम किया, होली को जला दिया, इधर एक चर्चा कर दिया है कि त्योहार मना दिया है, त्योहार नहीं है, शहादत दिवस है, हमारे पुरखों का अपमान हुआ है, इसमें हमारे समाज की बहन बेटियां इसमें जिंदा जलाई गई है, उनके साथ बलात्कार हुआ है, इसलिए तय करके हमारी हार हुई, त्योहार का मतलब तय करके हार हुई, क्यों माने तुम्हारी हार माने हार, हमारी तय करके हार हुई, और उस हार को हम खुशी में कैसे तब्दील कर सकते भाइयों, सोचने की जरूरत है। सेनापति इन नालायकों का मुख काला करो, ये समाज में मुख दिखाने के लायक नहीं है, पैन को जूता का माला पहनाओ, अब काला मुंह इनका काला करो और पूरे शहर में घुमाओ, जिससे देखने वाले बलात्कारियों के कलेजे हिल जाए, कोई भी किसी की बहन बेटी की तरफ गलत आंख उठा करके ना देखे, और उसके बाद में इनको इस बुरी तरीके से जान लो कि देखने वालों के कलेजे। जैसिया क्या महाराज, भार भेरे जौन तुम सब कोई अमीर ख्याल है तो अमीर ऐका मतलब का हो, कही है खुशहाली माए बुरा न मान्यो, हो रही है सावन माँ भौजी कहा लागत है सावन बाबू कहते त्यावर धोखा लागे लागा ए फागुन में हाँ देख लो, मतलब कहां तक हमारे समाज का अपमान किया जा रहा, लेकिन ये भोला वाला समाज कभी अपना इतिहास नहीं जान पाया। अमीर अबीर का जरा उल्टा करो, यानी तुम वीर नहीं हो, अबीर का मतलब होता है कायर, हमारा समाज कभी वीर था, आज राजा हिरण्यकश्यप ने उनके मुंह पर कालिख पुतवाई कि तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हो नालायक, ये समाज में मुंह दिखाने के लायक तुम लोग नहीं बचे हो, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ तुमने बलात्कार किया नालायक कहीं के।
नालायक कहीं के कलंक का टीका लगाया, मुंह काला किया और तबही से कहा गया कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह क्या है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। या खुशी ना आए लोगो, ये खुशी नहीं है भाइयों। सेनापति सेनापति नालायक जूते का जूते का हार पहनाओ, क्योंकि इन्होंने हमारी बहन के साथ पे दुराचार व्यवहार किया है और इनको कर लो। और जूतों का हार पहनाया, ये बलात्कारी है, व्यभिचारी है। और चलो आगे आगे चलो, और माताएं बहने जब ये गली में निकले तो इनके ऊपर थूको, ये तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है, इन्होंने आपकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, इन्होंने बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए चलो चल खोलो इनको खोलो आओ चलो आओ चलो डाला चलो 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 चल चल नालायक चल। देखने वालों के कलेजे हिल जाए लोगो, महाराज कश्यप ने इस तरह से उनकी जान लिया जो कि देखने वालों के कलेजे हिल गए। सेनापति चलो देखने वालों के कलेजे हिल गए लोगों। और तभी से होली मनाई जाती है, तभी से होली मनाई जाते हैं। अब होली त्योहार ना है, ये शहादत दिवस है, इस दिन बहन होलिका का बलात्कार हुआ, उसको रात रात जिंदा जलाया गया, इसलिए ये त्योहार हमारा मूल निवासियों का बिल्कुल नहीं है। अब और बात सुनो, इस कथा से सीख लो, अगर बात समझ में आई हो तो इस पंडाल में छोड़ करके जाओ, कितने लोग ये बुद्ध के सामने अंबेडकर के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आने वाली होली नहीं मनाएंगे अपने अपने घरों में, जो ना मनाए वो हाथ उठाए ईमानदारी से। ठीक है हाथ नीचे कर लो लोगों, ये मजाक नहीं रिकॉर्डेड है, अब मर्जी आपकी, मानो न मानो, रजा आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, हम तो पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, जागत रहो भैया, जागत रहो, जागत रहो, और जागो चाहे दूर जाए उरी ओढ़ लो। ये शहादत दिवस है हमारा आपका। दूसरी बात, शाम का जब समय होता है तो उसी को एक दूसरे के गले मिलते हैं, चलो खैर गले मिलो अच्छी बात है, भाईचारा पैदा करो, लेकिन हम देखे ना समाज का कि अगर अच्छा तक वो 15 साल का लड़का हो वही के 58 साल के बुढ़वा का है पाए लागत है क्यों? लिखा है अभिवादन शिलेश नित्यम्बर दो बसे बिना चत्वार दस वर्धनते आयु विद्या शोबलम, अपने से बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। अगर तुम महाराजा घर मिले जा सकते हो तो वही सहित ना तुम भर रहे आवे तुम्हारे घरे, मान लो तुम उनसे छुआट हो तो तुम्हारे बप्पत पाए लागे, गलत है। अगर तुम्हारे बाप के पाए लागे तब तो तुम उनके पाए लागो, और नहीं तो ये प्रथा इसी पंडाल के नीचे छोड़ करके जाओ, तुम्हारा कथा करना सार्थक हो गया लोगों, समझ लो तुम्हारा कथा करना ये पंडाल लगाना सार्थक हो गया। देखो अगर झुकने से रिश्ता बनता है तो झुक जाओ, समझते जाना, अगर झुकने से दूसरे के आगे झुकने से रिश्ता बनता है तो झुक जाओ, और अगर बार बार तुम्ही को झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। अगर जो समझदार इंसान है तो बार बार तुमको अपने कदमों में नहीं गिरने देगा भाइयों, वो खुद तुमको झट से कदमों में उठाएगा और तुम्हारे खुद कदमों में गिर जाएगा। इसलिए लोगों वेद में भेद छिपा था पर तुम्हें मालूम नहीं था, हमारे समाज के साथ में छल होता चला आया है, इसलिए ये त्योहार
त्योहार जितने हैं ये सब इन सब में तय करके हमारी हार हुई है। ये जितने हिंदू धर्म के त्योहार है ये मूल निवासियों के नहीं है, आप लोगों के पर्व है। पर्व पर्व मनाया करो। जितने बौद्ध धर्म से रिलेटिव जितने उजेरे पाक वाले पर्व है ये बुद्ध से रिलेटिव। बुद्ध का मतलब है प्रकाश, बुद्ध का मतलब है ज्ञान। और जितने पूर्णमासी उजेरे में यहाँ पर्व होते हैं ये सब ज्ञान वर्धक है। दिनमा कैसे ये त्योहार नहीं हमारे आपके हैं, हमारे आपके पर्व है। कौन बाबा साहब से ज्यादा विद्वान हम आप कोई होगा नहीं। बाबा साहब इस भारत के प्रथम विद्वान कहे गए और बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ और हो सकते न पैदा हो। तो क्या हम बाबा साहब की बात को नकार देंगे? बाबा साहब हम लोगों के आदर्श है, हमें रास्ता बताया, इतना बड़ा संविधान दिया है, इसलिए त्योहार नहीं। पर्व कौन कौन से कि बहना तुमरे हैं पर्व महान, मनावो इनका खुशी खुशी। होगा अगर कोई लुच्चा लफंगा कमीना ऐसी हरकत करता है तो उसको वहीं खड़े खड़े ऐसा चाटा दो कि देखने वालों के कलेजे हिल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में बराबरी समता न्याय बंधुता भाईचारा कायम होना चाहिए। भाई जन्म में थे भी मामा
श्रोमणी गुरु रविदास की। माह के पूर्णमासी को गुरु रविदास का जन्म हुआ था। पर्व मनाओ, खुशी मनाओ, लड्डू बताशा फुटिया बांटो, खाओ, कौन बंद करे। अगला पर्व तुम्हारा माह की पूर्णमासी, अगला जिस दिन जन्मे थे गुरु रविदास, मनावो उनका खुशी। आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाओ, जिस दिन तथागत गौतम बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमार गर्भ में आए थे, मनाओ। लेकिन यू मालूम ही नहीं हुई कोनो कहीं है यू कुछ चुकाते का बतावत हो ना ही कुछ, तुम हमारे हजार रुपए की गुजिया कम करा दे हो, हम जानते हैं। आवे वाले खवावा क्यार बयाना बहत हो लागो ही लोगन के ना हो लागो ही, अंधविश्वास से दूर हटो, बुद्ध की शरण में आओ।